सुनवाई तो मैं करवाऊंगा, सुनवाई तो यहां भी कराऊंगा, दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई करूंगा। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी लगने में कुछ ही घंटे रह गए हैं, लेकिन अभी तक उनके वकील एपी सिंह ने हिम्मत नहीं हारी है। एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह से याचिकाएं खारिज होने के बावजूद उन्होंने दो और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं। क्या है उन याचिकाओं के पीछे, क्या है सच, क्या है आधार, हम इन्हीं से बात करते हैं। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी लगने में कुछ ही घंटे रह गए हैं, लेकिन अभी तक उनके वकील एपी सिंह ने हिम्मत नहीं हारी है। एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह से याचिकाएं खारिज होने के बावजूद उन्होंने दो और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं। क्या है उन याचिकाओं के पीछे, क्या है सच, क्या है आधार, हम इन्हीं से बात करते हैं। एपी सिंह जी, आपकी याचिका का अब आधार क्या है? आखिरी समय तक आधार ये है, अगर आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुलती है तो इस देश के नागरिकों के लिए खुलेगी, 16.5 साल के बच्चों के लिए भी खुलेगी। ये उनको देखिए, डॉक्यूमेंट 16.5 साल के पवन के थे, दिल्ली पुलिस ने जुनून मांगा, जुनून माना, वेरीफाई किया, फैक्ट सम तथ्य सामने आए और उसके बाद भी उसको नहीं माना। दलीलें और आधार क्या रहेगा? दलीलें आधार रहेंगे कि जो कल हमने सेकेंड मर्सी फाइल की थी और आज हमारी डिसमिस हो गई इतनी जल्दी, ऐसा क्या है, ऐसा क्या पिक एंड चूज फार्मूला है? राष्ट्रपति महोदय के पास कैसा लेंस है जो 249 दया याचिकाओं पर आधारित नहीं है और इसमें है? ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, अन्याय। ये तो राष्ट्रपति जी का विवेक है, विवेक पर आधारित फैसला। जब विवेक सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व बहुत सीनियर मोस्ट जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ने हमें रिटन अपने लेटर दिए, अपने आर्टिकल दिए निर्भया केस के बारे में, सारी सच्चाई बताई कि कैसे कैसे पुलिस टॉर्चर करती है, थर्ड डिग्री यूज करती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करती है, जब सब ये बताया है, कहा है, फिर उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से मिलने का भी समय मांगा था, ओरल हियरिंग के लिए भी मांगा था। यानी आप रात में पूरे देश को जगाना चाहते हैं? उसके बाद नहीं, जगाना चाहता हूँ मैं ले मैन को लॉ मैन बनाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि देश के राष्ट्रपति भवन में कैसा कैसा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है, मैं बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कैसा कैसा कई बार क्या क्या हो जाता है। जब हमारी अपील दलील है, जब हमारे फैक्ट, आप पवन के फादर पर केस रजिस्टर करो, FIR रजिस्टर करते, तसल्ली होती उसे उसने गलत किया है, आप ये करते, लेकिन आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया क्योंकि उसमें आप खुद फंस रहे थे। अब तो वहाँ का स्कूल भी केस करने जा रहा है, वहाँ का इन्होंने फांसी तो दे देना, इनका जुडिशियल मर्डर कर सकते हैं, किलिंग कर सकते हैं, पता नहीं राजनीति के लिए इस देश में ये तो फांसी का प्रोसेस अपना रहे हैं, पता नहीं कितने लोग जेल में पैसे मार दिए गए, कितने दंगे करा दिए जाते हैं, कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ जला दी जाती हैं, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कितनी राजनीतिक हत्याएँ होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमारा देश का सिस्टम, यानी अभी भी आपको उम्मीद है कि आपकी याचिका पर सुनवाई होगी? हाँ, सुनवाई तो मैं करवाऊंगा, सुनवाई तो यहाँ भी कराऊंगा, दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई कराऊंगा, जिससे मैं अपने पक्ष पर खड़ा उतरूं। पाप के भागी दूसरा पक्ष बनना चाहिए जो गलत कर रहा है।